हेलो, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के लिए हमने सेलेक्ट कर ली है और जी वो वीडियो है फाइनली विजिट ताजमहल। आपने जो सुना तो होगा ताजमहल के बारे में, दुनिया के अजायबात में से ना ये भी एक अजूबा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है जाते हैं जो ताजमहल को विजिट करते हैं। ये वंडर्स है वर्ल्ड का, इंडिया के पास है ये भी, इंडिया के बाकी गिफ्टी है समझ लें। तो अब जी हमारे जो पाकिस्तानी भाई वहाँ गए थे अब्रॉड, उन्होंने इसका विजिट किया। ये गेट है जो दरवाजा गेट नजर आएगा और जैसे ही आप गेट से गुजरते हैं तो पहली नज़र आपकी ताजमहल पे ऐसे पड़ती है। सब जो है वो चाह रहे हैं कि ताजमहल के साथ उनकी एक ना एक तस्वीर हो। अपने शूज़ के ऊपर इस तरह के जो है वो कवर पहन लिए हैं क्योंकि उसके बगैर जो है वो इजाज़त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी। जयपुर से यहाँ पे हमने एक दो दिन गुजारे, बहुत अच्छा टाइम गुजरा और ना सिर्फ ये शहर खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोग भी बड़े कमाल के हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और आज हम जयपुर को खैर बात कह के आगे जिस सिटी की तरफ जा रहे हैं, जिस जगह को देखने जा रहे हैं, उस जगह का क्या ही कहना। हर वो बंदा जिसको ट्रैवल का शौक़ है और अगर वो इंडिया आता है या आने की ख्वाहिश रखता है तो उसकी हमेशा ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि उसको एक बार जो है वो ताजमहल देखने का मौका जो है वो ज़रूर मिले। और सिमिलरली मेरी भी यही ख्वाहिश है, उम्मीद है कि आज हमारी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी होगी। यहाँ से आगरा जो है वो तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास है जिसपे 4.5 से 5.5 घंटे हमें लग सकते हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम 9 बज के अगर हम 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि 5 बजे तक उसकी टाइमिंग होती है, तो हमें 3 घंटे एटलीस्ट मिल जाएंगे ताजमहल को देखने के लिए। और न सिर्फ हम खुद देखेंगे बल्कि आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। हमने सिर्फ जाके रास्ते में एक फैमिली आई थी मिलने के लिए, उनके घर ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद जो है वो हम आगे निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह जी सखर लाना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। या अल्लाह पाक खैर खरीय से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे आप सब देखने वालों का भी। अभी हम लोग अपने होटल से निकले हैं, ये बिल्कुल जो है वो सिटी के टॉप पे फोर्ट के करीब ही जो ऊपर से रास्ता आता है ना मोटरसाइकिल या पैदल वाला, उसके पास ही था। और जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के लिए जाना है वो तकरीबन को हमारी 15 मिनट की यहाँ से राइड है 6 किलोमीटर। यहाँ पे सुबह सुबह आप देखें कि नाश्ते चल रहे हैं देसी, ये पता नहीं क्या चीज़ है। हॉर्न का इस्तेमाल यहाँ पे इतना ज़्यादा है कि बंदा अगर इवन बाज़ार में से वॉक कर रहा हो ना तो पागल हो जाए, इतना हॉर्न इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। जयपुर आप कह सकते हैं कि ज़रा जो है वो स्लो पेस्ड सिटी है, रिलैक्स इसकी इन्वायरमेंट है कंपैरेटिवली। अभी तक हाँ, आज हम राजस्थान से बाहर निकलेंगे तो एक नई स्टेट यूपी की तरफ जाएंगे, तो राजस्थान प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट जो इसको मैंने अभी तक इस टूर में विज़िट किया है। और अभी हम इनके सेंटर से गुजर रहे हैं, हिस्टोरिकल टाउन से।
अभी तक बाज़ार जो है वो मोस्टली बंद है। यहाँ पे तकरीबन 10-10:30 बजे के बाद ही जो है वो चीज़ें ओपन होना शुरू होती हैं। तो ये जी यहाँ का आई थिंक इसका अभी नाम चले से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और फैमिली को लेके बहुत जल्दी पाकिस्तान आइएगा। थैंक यू। ये थे जी मनमोहन जो हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, ताकि हम जो है ये थोड़ा सा जो सीनिक रूट है वो जो हम ले लें। अदरवाइज़ यहाँ पे एक टनल है, वहाँ से हमने गुजरते हुए आगे जाना था। तो अभी जी आपको ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ का पुराना हिस्टोरिकल जयपुर जो है वो दिखाते हुए हम यहाँ से सिटी से बाहर निकल जाएंगे। इधर आप देखेंगे काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी हैं, उसके अलावा यहाँ पे गार्डन्स नज़र आ रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे यहाँ पे जयपुर में हिस्ट्री नज़र आएगी। ये साइडों पे चेक करें, आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर जो है वो काफ़ी गार्डन्स हैं। और यहाँ पे इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, इतना खूबसूरत शहर है, इसीलिए जो है ये आप कहते हैं ना कि वो एक गोल्डन ट्रायंगल बनती है, दिल्ली आगरा जयपुर और वापस जो है वो दिल्ली। तो ये मोस्टली जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं एक हफ्ते के लिए भी अगर वो विज़िट करें तो ये इस रूट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको आगरा दिल्ली के में जो भी टूरिस्ट आ रहा होता है उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जयपुर को विज़िट करके राजस्थान को टच करके फिर ही वापस जाएं।
और हम लोगों ने भी कोशिश की कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो वो राजस्थान दिखा सकें। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो राजस्थान को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाए। आगरा जा रहे हैं, आगरा आगरा पाकिस्तान से। सागर बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। मेरे ख्याल में अब जो है वो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, हम लोग भारतपुर को क्रॉस करके आए हैं। अभी आप साइडों पे नोटिस करें जी, यूपी के गांव। अरे खैर हो जाए, ये सामने से क्यों आ रहा है ट्रक वाला। शुक्र है मैंने देख लिया और मेरा कोई जेहन में नहीं था कि यहाँ से सामने से भी क्यों आएगा, क्योंकि वो रोड वाली साइड जो है वो ओपन है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये भाईजान कहाँ से आए हैं। और ये है जी फतेहपुर सीकरी, काफ़ी हिस्टोरिकल और ख़ूबसूरत जगह। यहाँ पे तीन चार जो है वो जगह जो है वो देखने वाली है। उनमें से एक तो ये मुझे लग रहा है जी यहाँ का फोर्ट है या वॉल है, और बाकी यहाँ पे एक आई थिंक बुलंद दरवाजे के नाम से है, पंच महल है, कुछ इस तरह करके दो तीन जगह हैं। आज है थर्सडे और फ्राइडे को ताजमहल जो है वो बंद होता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम आज जो है वो जाके देख लें, बाकी फिर देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी एटलीस्ट हमें दो तीन घंटे तो लग ही जाएंगे और उतनी देर में ताजमहल जो है वो बंद। हम लोग जी आगरा में पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं पता कि हम सिटी सेंटर से जो है वो कितना दूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेविगेशन बता रही है कि जो हमने लोकेशन डाली है ताजमहल की, वो यहाँ से कुछ 7-7.5 किलोमीटर है। तो ये जो उसके आउटस्कर्ट्स वाले एरियाज हैं ना सिटी के, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूपी जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड इंडियन स्टेट है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी स्टेट की है। पे लगता है कोई जलसा हो रहा है। ओए मार रहे हैं पुलिस वाले तो भाई इधर। आज लग रहा है कि कोई स्पेशल ओकेजन है,
लेकिन मुझे आइडिया नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, किसी से पूछ लेंगे। आगे को इस तरह का मैं नज़र आया ना, नहीं ताजमहल जा रहे हैं। खैर ये गेट है सर, ये गेट है यहाँ से ताजमहल अभी 1.5 किलोमीटर है, बट पार्किंग आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। पार्किंग नहीं है नियर बाई, पार्किंग नियर बाई करना अपना होटल अंडरग्राउंड, आपका गाड़ी लग जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन होता है, टिकट ऑनलाइन करा दूँगा, वी आई पी गेट से एंटर दोनों लोगों का हो जाएगा विदाउट लाइन। अच्छा ज़्यादा है एक्चुअल में, कल फ्राइडे ताजमहल शुरू रहेगा, इसके लिए वन डे पहले काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। अच्छा, जनरल गेट है, अंदर वी आई पी गेट से एंटर कराऊंगा, गाड़ी वगैरह वहीं पार्क हो जाएगा। अच्छा, तो कितने पैसे लेंगे उसके? 900 लूंगा सभी लोग का, पार्किंग वार्किंग टिकट सारा आपका इंक्लूड रहेगा, कोई भी पैसा पे नहीं करना है, डायरेक्टली टिकट दूंगा, डायरेक्टली एंट्री कराऊंगा, गाड़ी एकदम आपका नियर बाई होटल के अंदर ग्राउंड पार्किंग है, सेफ पार्किंग। अच्छा, पार्किंग वहीं गाड़ी पार्क हो जाएगी, पार्किंग टिकट सारा आपका इंक्लूड है, पे तब करना, घूमने के बाद आकर आप अपना बाइक उठा लास्ट में, पहले कोई चार्ज नहीं। दिखाएं कहाँ पे पार्क करना है, आप आगे पीछे मेरे को फॉलो करना, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग हैं। अरे भैया सॉरी, निकले निकले आप। हम लोग जो अभी ताजमहल के एंट्रेंस के सामने खड़े हैं, और यहाँ पे क्योंकि बाइक पार्क करने की इजाज़त भी नहीं थी और ना ही हम कर सकते थे, पीछे जो दो लोग मिले थे शुरू में तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं किस तरह के होंगे, लेकिन मैंने ट्रस्ट कर ही लिया और वहीं पे बाइक जो है वो खड़ी कर दी होटल की बेसमेंट में। उनको मैंने 900 रुपये देने हैं, उन्होंने ऑनलाइन टिकट्स लेके दे दी हैं। मेरी जो टिकट है, मैं फॉरनर हूँ तो मुझे 1250 की मिली है आई थिंक, कुछ इस तरह करके है, और कार्तिकेयन की टिकट जो है ना वो अराउंड 250 रुपीज़ की है। तो इसके अंदर म्यूज़ियम और जो है ना आप पूरा अंदर से जो है ना वो देख सकते हैं, वो दो टिकट्स हैं शायद फॉरनर्स की, जो उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। जो लोकल्स अगर वो 50 की लेते हैं तो सिर्फ इंटर हो सकते हैं, 200 आप एक्स्ट्रा दोगे फिर आप अंदर म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और आपको दिखाते हैं अंदर से ताजमहल। ताजमहल में इंटर हो चुके हैं, कुछ चीज़ें हमारे बैग में थी जो हमें जो पीछे रखवानी पड़ी, बाकी उन्होंने बैग जो है वो आने दिया। बताता चलूँ कि इसके 3 गेट हैं, ईस्ट साउथ और वेस्ट। हम लोग जो है वो ईस्ट गेट से इंटर हुए हैं, और पीछे जो है वो आपको वन ऑफ दी मोस्ट इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल जो दरवाज़ा गेट नज़र आएगा, इसे कहते हैं इसीलिए जो द ग्रेट गेट, और इसे दरवाज़ा भी बोलते हैं। बाकी सारे यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स, जो म्यूज़ियम्स और जो मस्जिद्स हैं वो इस गेट के पीछे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका ताजमहल में इसी गेट से पड़ता है, और अगर आप इस गेट का आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन है वो देखें तो रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। बहुत सारी बिल्डिंग्स राजस्थान में, और इवन जो इसकी जो मेन इंस्पिरेशन है वो जामिया मस्जिद दिल्ली या बादशाही मस्जिद है, वो भी इसी स्टाइल में जो है वो बनी हुई हैं। और गेट की जो है वो साइडों पर आपको जो है वो कुरानिक वर्सेस नज़र आएंगे लिखी हुई। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से किस तरह का है, जिसके लिए हम जो है ना आए हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन मॉन्यूमेंट है वो सारे कुछ जो है ना वो अंदर है इस गेट के बाहर। गुजरते हैं तो पहली नज़र आपकी ताजमहल पे ऐसे पड़ती है, क्या खूबसूरत और इम्प्रेसिव फर्स्ट लुक आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना रश है तस्वीरें लेने वालों का। हार्डली ही कोई जगह मिलती है जहाँ पे आप आराम से खड़े होकर अपनी जब तस्वीर ले सकें। सब जो है वो चाह रहे हैं कि ताजमहल के साथ उनकी एक ना एक तस्वीर हो। तो चलते हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें भी कुछ जगह मिल जाए जहाँ से हम ना सिर्फ अपनी तस्वीर ले सकें बल्कि जो है कुछ कैप्चर करके आप लोगों को जो दिखा भी सकें। पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ये म्यूज़ियम, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। और इसके बारे में बताता चलूँ कि ये पांचवें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल, जब उनकी के 14वें बच्चे की बर्थ हुई थी तो उसके बाद उनकी डेथ हुई थी 1631 में। तो एक साल के बाद उन्होंने इस पर कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की थी और इस पर जो है 1648 में कम्प्लीट हो गई थी। लेकिन क्योंकि जो सराउंडिंग्स एरियाज हैं, गार्डन्स वगैरह हैं, यहाँ पे मॉस्क है, पवेलियन है, वो कंस्ट्रक्शन जो है वो चलती गई, वो 5 साल बाद जाके कंप्लीट हुई। और जब इसको बना था तो तकरीबन इसके ऊपर जो है वो आजकल के टाइम पे अगर आप कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर जो है वो इसके ऊपर खर्चा आया था। और बाकी आप देखें तो इस एरिया में जितनी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी वो मोस्टली रेड सैंडस्टोन से बनाई गई, लेकिन ये शायद चंद बिल्डिंग्स में से हैं जो मुग़ल टाइम पे बनाई गई थी जो वाइट मार्बल से बनाई गई हैं। और अगर आप देखें तो चारों साइडों पर एक एक मीनार है और दरमियान में जो है वो डोम है। तो इसकी हाइट जो है ना वो ऑलमोस्ट कुछ 70 मीटर के आसपास है। यहाँ पर बिल्कुल जो मॉस्क के पास वो अभी भी फंक्शनल मॉस्क के वहाँ पे नमाज़ होती है और स्पेशली फ्राइडे के दिन जो है इस पूरे एरिया को जो है वो बंद किया जाता है, फ्राइडे की नमाज़ होती है और सिर्फ जो आगरा के लोग हैं वो ही आके इस जगह को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और जब ये बनाया गया था तो कहते हैं कि कुछ 20,000 के करीब वर्कर्स जो है उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया था, काम किया था। और इसके जो आर्किटेक्टर थे उस टाइम के जो मुग़ल एरा के थे वो थे जी अहमद लाहौरी साहब। तो अभी चलते हैं और आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं। म्यूज़ियम के जी बिल्कुल सामने आप जो अभी मेरे राइट साइड पे देख रहे हैं ये है जी यहाँ की मस्जिद, जो कि सिर्फ फ्राइडे को ओपन होती है। तो अभी हम मस्जिद के अंदर तो नहीं जा सकते और फ्राइडे को भी एक्चुअली जो है वो सिर्फ लोकल्स ही जा सकते हैं जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। और म्यूज़ियम जो है ना वो उसकी तरफ हम ज़रूर जा सकते हैं। तो आप हमें देखेंगे हमने ना अपने शूज़ के ऊपर इस तरह के जो है वो कवर पहन लिए हैं क्योंकि उसके बगैर जो है वो इजाज़त नहीं है। तो सामने से हमें ये कवर मिले हैं, ये पहनते हैं और अंदर चलते हैं। म्यूज़ियम के सामने आ गए हैं और तकरीबन कोई 40 मीटर जो है यहाँ पे ये जो हाइट आपको सीलिंग की यहाँ पे नज़र आ रही है। और बिल्कुल ये मेन गेट जो मेन दरवाज़ा था, ग्रेट दरवाज़ा, उसके बिल्कुल सामने है। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो जो सीलिंग है ना वो ऐसे लग रहा है कि जैसे फ्लैट है, लेकिन फ्लैट नहीं है। कुछ जगहों पर ना बड़ी खूबसूरत से जो है मार्बल को तराश के जो है ना उसको बनाया गया है। और साइडों पर आप देखें तो एक जिस तरह रोप होता है ना, एक उस तरह जो है वो रोप की तरह जो है वो आपको साइडों पर यही मार्बल से डिज़ाइन बना हुआ है। और इसी तरह जो है वो साइड पे जो है वो जो कैलीग्राफी हुई है वो सूरह यासीन की कैलीग्राफी हुई है। इसके अंदर जो है मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों की जो है वो यहाँ पे जो है वो मकबरे हैं, लेकिन अंदर जो है फोटोग्राफी की इजाज़त नहीं है। तो अंदर से हम आपको कैप्चर करके अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखा सकते। अभी हम जाके ख़ुद तो अंदर से एटलीस्ट जो है उसको ज़रूर विज़िट करेंगे क्योंकि
आई थिंक इस तरह की बिल्डिंग्स जो है ना, आप जब आते हैं, पास आते हैं, करीब आते हैं, तो तभी आपको आइडिया होता है कि कितनी खूबसूरत और कितनी इम्प्रेसिव है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन जो आप ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं, अभी तो इससे एक साइड से सनसेट हो रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत सी लाइट पड़ रही है उसके ऊपर। पर यमुना, तो इसके बिल्कुल जो है वो जो है ना एज पे जो है ये बनाया गया है। रिवर में भी कुछ बोट्स वगैरह चल रही हैं, लेकिन इसका पानी जो है ना वो लग रहा है कि कोई बहुत साफ़ नहीं है, तो हम उस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बाकी मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो एक कम्पैक्ट साइज जगह के बारे में जो है वो बता सकूँ। बहुत हिस्ट्री है, बहुत कल आप उसको डिटेल में जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई थिंक क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा है, मे बी सुबह का टाइम जो है ना वो शायद थोड़ा जो है वो अच्छा रहेगा, जैसे कि लोगों ने बताया। पर फ्राइडे को ये बंद होती तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको नेक्स्ट डे आके जो है ना एक्सप्लोर कर सकें। ये आ गया जी सामने होटल रॉयल रेजेंट। रूम में जी हमने चेक इन कर लिया और आज हमें काफ़ी अच्छा डिसेंट साफ़ सुथरा खुला रूम मिला है। वॉशरूम वगैरह हर चीज़ जो है ना इसकी फ़िट है। हमने अभी जो है वो नीचे जो है ना अपनी बाइक भी खड़ी कर दी, तो इनकी पार्किंग भी अपनी है। इस रूम के हमने पे किए हैं 3,500 इंडियन रुपीज़, जो कि आई थिंक डिसेंट है, हम ऑलमोस्ट इतनी प्राइस पे कर रहे हैं। इसमें ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट के साथ वो 4,000 मांग रहे थे, लेकिन वो हम जाके करेंगे किसी लोकल जगह पे। अभी सिमिलरली हम जो है किसी लोकल जगह पे जाते हैं और यहाँ पे जो है वो डिनर करते हैं, क्योंकि ये हमारा यूपी में पहला डिनर होगा। चलते हैं हम लोग जी खाना खाने आए हैं एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ढाबा 52 या समथिंग करके 15। भैया इसके नाम क्या, ढाबा 59 है। हाँ 59 है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दिखाई थी महाराजा थाली, तो इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर थी। जब आई है तो ये आई है और इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या चीज़ें हैं। पनीर होगा और बटर पनीर, ये थोड़ी सब्ज़ी होगी, पुलाव है, ये थोड़े प्याज हैं, और यहाँ पे आई थिंक ये दाल है, और ये इस क्या उसे कहते हैं रायता टाइप है, कुछ इस तरह की चीज़, और साथ में जो है ना हमारे सामने जो है ना वो रोटी आई है। आज हमारा खाना जो है ना वो नॉन वेज है, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जो है ना हमारे होटल के करीब था, तो हमने कहा यहीं से खा लेते हैं। और हाँ, इसके शायद हमने पे किए हैं 350 इंडियन रुपीज़, 360 समथिंग लाइक दैट, और ठीक है उसमें प्राइस में जो है वो आपको ठीक डिसेंट खाना मिल जाता है यहाँ पे। दाल तो अच्छी बनी, हम अपना खाना खाते हैं, और आप उतनी देर में ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। हमने देखे जी ताजमहल आगरा में, और ये बड़ी सही बात बताई थी। या देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं पहले राजस्थान थे ना, राजस्थान में जयपुर में थे, फिर कहते जयपुर से मैं इधर अब आगरा जा रहा हूँ, सारा ट्रैवल मेरे मार गया, बहुत अच्छा लगा, बातें इनको सुनने का बहुत मजा आता। साथ हम डिस्कस, आपको पता नहीं बुरा ना लगता हो, तो हम आपस में ये सारे को डिस्कस कर रहे थे कि किसका इनका ट्रैवल है, कितना मेहनत का काम है, कितना आसान काम हो गया बाइक पर फिरना। अच्छा फिर इन्होंने कहा कि दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा कहते हैं ट्राइंगल बनती है, इन तीनों का आपस में लिंक जुड़ता है, आप उसका विजिट करें ना तो आपको बहुत मजा आए, ऐसी बात भी रही। हाँ जी, और देखें मैंने अभी हमने जब भी ताजमहल देखा तो आपस में मैं डिस्कस करूँगी कि कितना खूबसूरत बनाया, और बनाया किसने, एक शोहर ने अपनी बीवी के, एक हस्बैंड ने अपनी बीवी किया, सबको इसकी हिस्ट्री का सारा पता है। तो मुझे एक जोक याद आया, मैंने चाहिए आपसे भी शेयर करनी है। कहते हैं एक वाइफ अपने हस्बैंड को देख के देखे, ताजमहल को देखते देखे कि कितना वो हस्बैंड था क्या अजीम, जिसने अपनी बीवी के लिए शोहर था, जिसने अपनी बीवी के लिए उसकी याद में उसकी मोहब्बत में कितना खूबसूरत कितना शानदार महल बना दिया जी।
तो मेरी याद में भी आप बनाएंगे? हस्बैंड का क्यों नहीं, जरूर बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कहते हैं हस्बैंड जी कि पहले मरो तो सही, मतलब पहले मरो तो फिर तुम्हारी याद में बना दूंगा। ये तो चले एक जोक था ना, लेकिन असल में ना बहुत खूबसूरत है जय। उसका आपने आर्किटेक्ट देखा, आपने उसकी खूबसूरती देखी है, इसीलिए दुबे में आता है, इतना बड़ा शाहकार है। वो कहने लगते हैं, देखो इमरान भाई भी कह रहे हैं कि हमने आपको इसके हमने सॉन्ग इतने हैं, आपको पता है मूवीज में, सॉन्ग्स में, वीडियोज में, ताजमहल के आपके घर में, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी वो क्रिस्टल के बने हुए भी ताजमहल आप इसको गिफ्ट दे रहे हैं, जब गिफ्टिंग डेकोरेशन पीस के तौर पर इससे कौन था बाकी पैसे। लेकिन अब जब वहाँ पहुँच के आप उसको वहाँ खड़े होकर देखते हैं तो वो क्या जबरदस्त सुंदर कह रहे हो, सनसेट है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ओवरऑल जो हमें तो बहुत मजा आया। मुझे भी कह रहे थे, कहते समझ लगे आप सैर कर रहे हैं, इसी तरह हमारे साथ साथ ऐसे लग रहे थे हम उनके साथ से जा रहे हैं, तो अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। हिस्टोरिकल एक प्लेस जैसे सारा राजस्थान का जयपुर सारा हिस्टोरिकल एरियाज हैं और देखने वाली जगह है वैसे सारी ना इंडिया की। इंडिया इंडियंस जो है ना, मेरे ख्याल से हमारे ख्याल से इंडियन ब्लेस्ड है, उनके पास माशाल्लाह बहुत कुछ है ना, तरक्की अलग इनकी, गवर्नमेंट अच्छे इनको मिल गए हैं, हिस्ट्री है इनकी बहुत रिच, इनके पास है सारा कुछ भी। हाँ मेरे बहुत अच्छा लगा भाई, और थैंक यू सो मच आपको मैं देख रहा, अच्छा लगा होगा, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एक नए रिएक्शन के साथ फिर से आते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।